टीवीएफ की खास बात शुरू से रही है, चाहे कोई भी वेब सीरीज हो उसमें आपको तीन चीज जरूर देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट एंटरटेनमेंट, सेकंड लर्निंग्स, थर्ड आप अपनी लाइफ से उन सभी सिचुएशन को रिलेट कर पाओगे। और कोटा फैक्ट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक बंदा भी अपने आप को रिलेट ना कर पाए। वेल सीजन 1 हम सभी को बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगा, एंड सीजन 2 और भी ज्यादा रिलेटेबल लगने वाला है, क्योंकि तो सीजन 2 में वो सभी प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है जो हम सब फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ IIT। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मुझे रिलेटेबल लगी है, जो जिस चीज से मैंने कुछ सीखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए अब चलते हैं एपिसोड नंबर 3 पे, वहां से मैंने क्या सीखा, वहां से मुझे क्या अच्छा लगा। पहले एपिसोड नंबर 3 में जीतू भैया अपने अपना जो अलग क्लासेस उन्होंने खोली थी एमर साहब, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। वहाँ पर वो फिर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टीचर भी लेके आना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक मैडम को रिक्रूट किया, सारिका मैम, जो कि वो चाहते हैं कि जिस तरह लाइक मैं हूँ, लाइक बॉयज जिस तरह मेरे से प्रॉब्लम आके शेयर करते हैं, उस तरह सेम ऐसा कोई होना चाहिए उनके पास जो मतलब गर्ल्स की प्रॉब्लम आके सॉल्व कर सके। इसलिए वो सारिका मैम को रिक्रूट करते हैं। अब लड़कों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आ जाते हैं, कुछ भी शेयर कर देते हैं। लड़कियां भी उतनी वल्नरेबल होती हैं, बट दे ऑल नीड समवन लाइक यू। चलो नाम थोड़ा तो डिफरेंट। और इसी एपिसोड में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, पर यहाँ पर महेश्वरी क्लासेस से उनको एक जीतू भैया को एक ऑफर मिलता है उनके यहाँ फीस पढ़ाने के लिए, और बहुत ही अच्छा अमाउंट मिलता है। मतलब कोई भी लालच में आके वो पक्का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, बट जीतू भैया ने नहीं किया। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में खुद ही अपने आपको मतलब पढ़ाना चाहा, ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद महेश्वरी सर एक लाइन बोलते हैं कि मतलब उनका महेश्वरी सर का जो PA होता है वो कहता है कि भाई इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जीतू में। तब महेश्वरी सर एक लाइन कहते हैं, आज के टाइम में बच्चे जिन टीचर की रिस्पेक्ट करें वैसे टीचर बहुत ही कम है। ऐसा क्या देख लिया सर आपने इसमें? मैंने नहीं, इसके स्टूडेंट्स ने देखा है। उस लड़के के सामने इसकी बुराई करी तो उसे हर्ट हुआ था। आज के टाइम में जिस टीचर की इज्जत बच्चे करें ऐसे टीचर कम दिखते हैं। ऐसा रियल रियलिटी लाइफ में रियलिटी है। मतलब ये आप लोगों ने भी कई स्कूल में, कॉलेज में, अपने ट्यूशन्स में कई टीचर से पढ़ाई की होगी, बट आप बहुत ही कम टीचर से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही कम टीचर के रिस्पेक्ट करते होंगे अपनी लाइफ में, और कि वो डिजर्व करते हैं। इस तरह सेम जीतू भैया थे। पर जीतू भैया से टीचर मिलना यार लाइफ में अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे मिलना मुश्किल है रियल लाइफ में। आइए अब देखते हैं एपिसोड 4 में मुझे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। एपिसोड 4 में दो चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई है, फर्स्ट फ्रेंड्स और सेकेंड माँ। फर्स्ट फ्रेंड्स आपको बता दूँ, इस एपिसोड में वैभव बीमार पड़ जाता है, उसके बाद वो अपने घर में ही रहता है, वो कोचिंग क्लास जाना बंद कर देता है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स मीना और उदय दोनों जाके उसे उठा के अपने PG में ले आते हैं, वहीं पे उसे खिलाते हैं, वहीं पे उसे पढ़ाते हैं, जो सब कुछ वही करते हैं। बट ऐसे फ्रेंड्स मिलना यार लाइफ में कितनी अच्छी बात है ना। और ये चीज देख के समझ आई यार, आपको जो रियल फ्रेंड्स मिलते हैं वो 12th तक ही मिलते हैं, 12th के बाद आपको सारे काम निकालने वाले दोस्त मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंडशिप को जो इंपॉर्टेंस दी गई है बहुत ही अच्छा लगा देखने में। पर ऐसे फ्रेंड्स मिलना यार लाइफ में रिलेटेबल तो नहीं कह सकते, बट मिल जाए तो अच्छी बात है। सबको नहीं मिलते ऐसे फ्रेंड्स लाइफ में, जिनको मिलते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। और सेकेंड चीज, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, कुछ भी बोलो, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी इस वेब सीरीज की, इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर इन आर लाइफ। वेल आप जीतू भैया आप एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करते हैं, औषधि वाला, सॉरी औषधि नहीं, औसम वाला, औसम। औसम में जो माँ होता है दैट स्टैंड्स फॉर मदर, यानी माँ। वेल जीतू जब वैभव बीमार पड़ जाता है, वैभव जॉन्डिस उसको और ज्यादा इफेक्ट करता है, वो मतलब ठीक नहीं हो पा रहा होता, तब उसे कहते हैं अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर, ब्रह्मास्त्र यानी हमारी मदर माँ। तो मम्मी को कोटा बुलाता है, उसके बाद वो एक ही हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, जय पहले की तरह बिल्कुल बेटर हो जाता है। वेल यहाँ से ये समझ आता है, वेल माँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ है नहीं। अगर मतलब आप भी जानते हो यार इंपॉर्टेंस ऑफ मदर इन आर लाइफ, जो कि इस सब सीरीज ने दिखाया।